राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से आपको उपाय करने हैं कि जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और जो है खुशहाली आनी शुरू हो जाए। और छोटा सा घर में ही, आपकी रसोई में ही ये जो है उपाय है, और इस रसोई में ही इसकी सामग्री जो है आपके घर में पड़ी हुई है। और ये ऐसी सामग्री है जिसका प्रयोग हम सभी लोग अपने घर में जो है खाना बनाते वक्त भी करते हैं, और जो है हम इसमें बहुत से चीजों में इसका प्रयोग जो है वो होता है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ नमक की। तो नमक, चाहे वो सेंधा हो, चाहे वो समुद्री नमक हो, चाहे वो आपका जो है काला नमक हो, तो आपको क्या करना है कि नमक का प्रयोग जो है आपकी जिंदगी में, क्या आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकता है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगी नमक के कि आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके घर में जो है नेगेटिविटी हटकर पॉजिटिविटी जो है वो आनी शुरू हो गई है। आज मैं आपको बताने जाऊंगी नमक के वो पांच मेन उपाय, वो पांच उपाय जो आप करते ही आप सोचेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है, और जो है नकारात्मकता जो है आपके घर से जो है वो कोसों दूर चली गई है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नमक जो है वो किसका कारक, कौन से ग्रह का कारक जो है वो नमक को माना गया है। नमक को जो है वो शनि का कारक माना गया है। नमक को कई लोग सफेद होने के कारण कहते हैं, नमक चंद्रमा है, नमक शुक्र है, लेकिन नमक जो है वो शनि का कारक जो है वो माना गया है। आपने देखा होगा कि गाय को हम लोग नमक खिलाते हैं, नमक की डेली जो होती है वो खिलाते हैं। वो क्यों खिलाते हैं, कभी आपने सोचा है क्यों लोग जो है गाय को जा जा के नमक खिलाते हैं? ये है मेरा उपाय नंबर वन। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है और उस परेशानी से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो जाइए गाय माता को एक के आगे जो है नमक की डली, किसी भी आप गौशाला में जाकर आप नमक की डली जो है वो गाय माता को खिलाकर आइए। अगर किसी भी प्रकार की आपके जीवन में साढ़े साथी चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, और जो है शनि की कंटक ढैया चल रही है, या शनि जो है आपके जीवन में खराब, उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर है, या कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो गाय जो है वो क्या है, शुक्र का कारक है। नमक जो है वो शनि का कारक है। हमारे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोने क्यों होते हैं, जब हमारे जीवन में केतु का प्रभाव नीच का हो जाता है। जब हमारे जीवन में केतु का प्रभाव नीच का हो जाता है, तो हमारे जीवन में तंत्र मंत्र जादू टोने जो है होने शुरू हो जाते हैं। छठा घर, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा बुध और केतु का होता है, और दोनों ही छठे घर के कारक ग्रह है, और यहाँ पर बुद्धि आपकी केतु से पीड़ित हो जाती है, और आपके ऊपर जो है तंत्र मंत्र का इफेक्ट जो है, या कर्जों का इफेक्ट जो है, या बीमारी का इफेक्ट जो है आपके ऊपर बढ़ जाता है। यहाँ पर नीच की केतु को ठीक करने की जरूरत पड़ती है। तो शुक्र जो है वो गायों का कारक है, शनि जो है वो नमक का कारक है। तो शनि और शुक्र को मिलाने से केतु देव जो है आपके उच्च के हो जाते हैं, और छठा घर हमारा ठीक हो जाता है, जो कि रोग ऋण चतुर का होता है। मात्र इतने से उपाय से ही आपके कर्जे जो है वो उतरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं कभी भी आपसे जो है इलॉजिकल बात नहीं करती, हमेशा मैं आपको तर्क देकर आपके ग्रहों के हिसाब से ही आपको जो है उपाय जो है वो बताती हूँ। आज आपने मेरी वीडियो अगर पूरी लास्ट तक अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, तो आपकी बहुत से बड़ी मुसीबतें जो है वो आज ही खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहला उपाय आपने क्या करना है कि अपने घर में से आपने जो नमक लेना है, या वो सेंधे फॉर्म हो, आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन अपने घर से लेकर जाएंगे अगर वो नमक को, तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होगा। आप इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा नमक अपने घर में पहले लाकर रख लीजिए, अगले दिन जाकर गाय को आप खिला कर जाइए, क्योंकि उस नमक के अंदर आपके घर की पूरी नेगेटिविटी जो है वो आ जाएगी। उस नमक को आप ब्रह्म स्थान में रखिए, अपने घर के सेंटर ऑफ द हाउस में आप उस नमक को रखें, सुबह जाकर आप उसे गाय को खिला दें, आप देखेंगे चमत्कार आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये महा उपाय जो मैं आपको देने जा रही हूं, जो मैंने आपको बताया है, इससे बहुत से लोगों का फायदा हुआ है, आपका भी फायदा ही होगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपने घर में नमक रखें, उसे किसी स्टील के बर्तन में मत रखें, उसे किसी लोहे के बर्तन में मत रखें, नमक को प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए, नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए। नमक क्या है, शनि है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, नमक शनि है, और जो कांच का बर्तन है वो बुध है। तो बुध और शनि जब मिलते हैं, तो आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, आपका बिजनेस जो है वो चलना शुरू हो जाता है,
उस नमक के जो आपने कांच के डिब्बे में जो नमक रखा है, छोटे से वर्तमान ले आई है, और उस नमक में से कुछ भी सामान आपने यूज नहीं करना है, नमक को आपने यूज नहीं करना है, उस नमक को तो आप अपने अपने घर के अंदर सिर्फ एक कांच की बर्नी के अंदर आप उसे हमेशा के लिए रखेंगे, उसमें से यूज नहीं करेंगे। ये दूसरा उपाय जो मैंने आपको दिया है। तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपके घर में, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी, आपका मन जो है कुछ नहीं लगता है, कहीं आपसे उठा ही नहीं जाता है, आप हर समय आलस महसूस करते हैं, आप ये सोचते हैं कि कल तो मैं ये काम करके ही छोड़ूंगी, और लेकिन वो आपका कल जो है वो कभी नहीं आता, कल जो है वो आपका कभी नहीं आता, तो आपने क्या करना है कि सुबह उठना है। सिर्फ ये उपाय आपको शनिवार या बुधवार को करना है, ये उपाय आपको सिर्फ शनिवार या बुधवार को करना है। बाकी जो मैंने आपको पहले वाले उपाय बताए हैं वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपने ये उपाय जो है शनिवार या बुधवार को करना है। आपने थोड़ा सा नमक डालना है पानी में, आपने बकेट जो है वो लेनी है, जब आप नहाने के लिए जाते हैं उसमें एक चम्मच आपने नमक डालना है, पूरी बकेट को पानी से भर लेना है और उस पानी से आपने नहा लेना है। नमक सेंधा भी हो सकता है, नमक जो है आप सेंधा नमक से भी नहा सकते हैं और जो समुद्री नमक होता है उससे भी आप नहा सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है तीसरा उपाय। तो ये आपने जो है वो करना है और आपके घर से आपकी किस प्रकार से नेगेटिविटी जो है वो भागने लग जाएगी। पहला उपाय मैंने आपको बताया कि आपने जो है सबसे पहले गाय को जाके नमक खिलाना है। दूसरा उपाय मैंने आपको बताया कि आप अपने घर में नमक को आपको डिब्बे में रखना है और वो कांच का डब्बा होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपको बहुत ज्यादा आलस वगैरह आता है तो आपने तीसरा उपाय क्या करना है कि आपको नमक वाले पानी से नहाना है। चौथा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपको जब भी आप अपने घर के अंदर ऐसे सोचे कि आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है या आपके ऊपर नेगेटिविटी आ रही है या आपके हर काम में जो है अड़चन आ रही है, आपका काम नहीं चल पा रहा है, तो आपने क्या करना है कि नमक, सेंधे नमक की पोटली बनानी है, एक पोटली बनानी है और वो पोटली जो है वो सफेद कपड़े के अंदर बनानी है आपने, और उसमें बड़े सारे बारीक 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 जैसे पत्थर की फॉर्म में थोड़े से जो है ना नमक के पीसेस जो है वो आपने रख लेने हैं। ये नमक आपने जो है पिसा हुआ नहीं लेना है, ये आपने सॉलिड फॉर्म में जो है वो रखना है। इस नमक की पोटली को जो आपने बनाई है, आप ऐसे चौरस पोटली भी जो है सफेद रंग के कपड़े के अंदर बनाकर सिल सकते हैं। इस पोटली को जो है आपने जो बनाई है उसे आप अपने घर के साउथ वेस्ट में यानी कि जो हमारा साउथ वेस्ट की जो हमारी डायरेक्शन होती है वो रिलेशनशिप की होती है, और इसे यहाँ पर जब आप इस डायरेक्शन में अगर इस नमक की पोटलियों को रखते हैं तो आपके रिलेशन जो है ऑटोमेटिकली जो है लोगों के साथ में सुधरने शुरू हो जाएंगे। और इस पोटली को आप वहां पर किसी भी जगह पर, अगर कोई विंडो है तो वहां विंडो पे रख दीजिए, या आपकी कोई विंडो कर्टन लगा हुआ है तो कर्टन के पीछे रख दीजिए, या आपको कोई अलमारी है तो अलमारी के अंदर रख दीजिए। आप किसी भी फॉर्म में जो है किसी भी जगह पर आप ये जो है साउथ वेस्ट की जगह पर आपने ये पोटली जो है वो रखनी है। चौथा उपाय आपका ये हो गया। और ये चारों उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत बहुत इफेक्टिव है और लोगों के ऊपर जो है चमत्कार लोगों ने जो है इसका महसूस किया है, तभी हम आपको ये जो उपाय है वो बताते हैं। और पांचवा नमक का जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत 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 ही असरदार है, बहुत ही असरदार है। आपने क्या करना है कि चार या पांच आप लाल मिर्च ले लीजिए, थोड़ा सा आप नमक ले लीजिए, सेंधा नमक आपको लेना है, थोड़ी सी आपने पीली सरसों लेनी है जिसके ऊपर भी आपको लगता है कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र का जो है इफेक्ट है। आपको पता है कि नमक से जो है तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं, लोग तंत्र मंत्र में भी नमक का यूज करते हैं, वशीकरण में भी नमक का यूज किया जाता है, लेकिन हम कभी भी आपको वशीकरण के उपाय इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वशीकरण का इफेक्ट जो है वो थोड़े समय के लिए आता है। कई लोग इसका वशीकरण का जो इस्तेमाल है वो नेगेटिव चीजों को करने के लिए ज्यादा करते हैं, जैसे कि ये इंसान मेरे साथ वशीकरण में आ जाए और ये मेरे साथ मेरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाए, लेकिन होना वही है जो आपकी कुंडली में लिखा है और उपाय भी वही कर पाता है जिसकी किस्मत जो है वो जागनी होती है और जिसके किस्मत का ग्रह जो है वो बोल रहा होता है कि चल तेरी किस्मत और तेरे भाग्य को बदलते हैं। तो पांचवा उपाय मैंने आपको बताया कि पांच लाल डंडी वाली आपने मिर्ची लेनी है, थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है और थोड़ी सी आपने पीली रंग की सरसों लेनी है। जिस इंसान को भी
नेगेटिविटी महसूस होती है, तंत्र मंत्र का उसको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या आपको भूख नहीं लगती है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हो रही है, आपके घर में आपको सपने जो है वो बुरे बुरे आते हैं, कोई भी समस्या हुआ अगर आपको बिना पत्रिका देखे आप ये अचूक उपाय जो है वो कर दीजिए। ऐसा चमत्कारी उपाय आपने जो है ना सुना होगा और ना ही आप ये करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि मजा आ गया। बस इसको आपने क्या करना है, इस पोटली को आपने अपने सर से जो है पॉलिथिन में जो है आप इसको डाल लीजिए और इसे अपने सर से आपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार डालने के बाद, 7 बार अपने सर से वारने के बाद इसे जो है आप अपने गैस पर इसको जो है जला दीजिए। कैसे जलाएंगे आप लोग कहेंगे कि हम कैसे जलाएं कैसे जलाएं कैसे जलाएं, तो आपने जो है अगर गैस पर नहीं जला सकते हैं इसको पोटली की तरह फॉर्म में आप इसको बांध लीजिए, कोई भी कपड़े के अंदर बांध लीजिए या कोई किसी कागज के अंदर डाल के बांध लीजिए या उसकी कोई पुड़िया बना लीजिए, या फिर अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसे मिट्टी के कसोले के अंदर आग जलाकर आप इस पोटली को जो है डाल दीजिए और स्वाहा एक बार बोल दीजिए। बस आपके घर से, आपके शरीर से, आपके आपके परिवार से, आपकी दुकान से, आपके व्यापार से हर प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो वहीं स्वाहा जो है वो हो जाएगी। करके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको ये उपाय करके और आपको लगेगा कि ये नमक, सिर्फ 1 रुपए का नमक से हमने कितना बढ़िया जो है ये उपाय किया। ये 5 महा उपाय जो मैंने आपको दिए हैं सारे ही कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। आपको नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 जो है उपाय जो है जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे आपका रहेगा इंतजार। और हम लोग रहते हैं, हम लोग मिलते हैं आपसे रोज 3 बजे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से और 10 बजे भी आपसे लाइव मिलते हैं यूट्यूब और फेसबुक पे। तो हमारे साथ में अपनी पत्रिका अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन करना ना भूलेगा और फेसबुक पेज जो है हमारा आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर उसे जो है फॉलो करना मत भूलेगा, क्योंकि सभी लोगों का जब भी हमारा प्रोग्राम चलता है तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, लेकिन मैं अंत में आपको बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। राधे राधे।